गौरवशाली है, कितना विशाल है। आजादी के 75 साल बाद जाने के लिए ये एक पहल है। तिंदर बिस्कुर मेलिनसन गर्ल्स हाई सेकेंडरी, आयशा जावेद की कायदत में और गजदारी एंड ईशा अर्शद चौहान की अगुवाई में सलामी मंच के करीब आता हुआ और शानदार ढंग से सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ता हुआ आईटीबीपी के बाद ये जो कंटिजेंट आ रहा है सलामी मंच के करीब है सशस्त्र सीमा बल का कंटिजेंट, सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, और सीआरपीएफ के बाद ये कंटिजेंट है आईटीबीपी का, भारत तिब्बत फर्स्ट में हिस्सा लेते हुए ये पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना श्रीनगर के बच्चे व्हाइट यूनिफॉर्म में मबलूज करने के बाद मंच आगे बढ़ता हुआ बीएसएफ के बाद यह सीआरपीएफ का कंटिजेंट, सीआरपीएफ का कंटिजेंट है स्टेट कमांडेंट जावेद हुसैन के घर कश्मीर पुलिस डीएसपी प्रोफेसर ऋषि के फर्स्ट में हिस्सा लेते हुए ये पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना श्रीनगर के बच्चे व्हाइट यूनिफॉर्म में मबलूज से महज 4 महीने अपनी तरबियत पाने के बाद क्या कौमी सदर की इस तकलीफ में मौजूद कर रहे हैं। तिंदर बिस्कुर मेलिनसन गर्ल्स हाई सेकेंडरी, आयशा जावेद की कायदत में और गजदारी एंड ईशा अर्शद बढ़िया
फास्ट हो और कोई फंक्शन हो, पुलिस पब्लिक स्कूल हमेशा पेश पेश रहता है। ये है पुलिस। ये योगी पैटर्न पे इस वक्त फाइव बैंड नए अंदाज में सलामी पेश कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें प्रगति भी हो और अंतर्गति भी हो, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें ईमान भी हो इंसानियत भी हो, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें समता भी हो और ममता भी हो, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें बराबरी की नीलांबरी हो, अवाम खुशहाल हो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आजादी हो। कश्मीर के एक एक नागरिक की भागीदारी इस बात का सबूत है कि आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं बल्कि नई मंजिल पाने की ऊर्जा। पड़ोसी मुल्क के तमाम हथकंडों, उनके षड्यंत्रों के बावजूद 27 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और स्थिरता तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को महसूस किया। इस आयोजन से न केवल देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर को भी वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है, मान और सम्मान मिला। G20 वर्किंग टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में न केवल राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया है बल्कि जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की क्षमता को शिखर पर ले जाने के लिए वैश्विक साझेदारी के नए रास्ते भी खोले। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि G20 समिट के बाद कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 59% की वृद्धि हुई है। इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 1,27,00,000 पर्यटक आ चुके हैं जो टूरिज्म सेक्टर के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। इस साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शामिल है। लंबे समय तक चलने वाली यात्रा मैं समझता हूँ कि देश भर के लोगों को एक सुखद अनुभूति दे रही है। शांति और स्थिरता के माहौल में देश ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों को भी इस बार आकर्षित किया। चौंतीस साल बाद सिया समुदाय के भाइयों को मुहर्रम पर्व पर हजरत इमाम हुसैन के त्याग और बलिदान को पारंपरिक तरीके से पारंपरिक मार्ग पर आयोजित कर श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। भाइयों और बहनों, समावेशी सर्वस्पर्शी विकास तथा सभी नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्मित की जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आज ही के दिन मैंने आवाम को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को दोहराया था। टेरर इको सिस्टम को नेस्तनाबूद करके हर एक नागरिक को बेखौफ और अपनी मर्जी से जीने का अवसर प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला भूमि आवंटित करेगा ताकि उनके घर का सपना पूरा हो सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि पीएम केवाई ग्रामीण के अंतर्गत 3,39,000 घर स्वीकृत किए जा चुके थे, जिसमें 1,74,000 घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, शेष का भी इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा। 2023-24 में 1,99,500 घर पुनः स्वीकृत किए गए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शक्तिशाली, संगठित और रचनात्मक रूप से जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। भाइयों बहनों के जिन जमीनों पर, घरों पर अवैध कब्जा था, उन्हें अपनी जमीन, जिन्हें अपनी जमीन दबाव में बेचनी पड़ी थी, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी पंडित भाइयों के जो सरकारी नौकरी में हैं, आवास निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र किया गया है और उसे समय सीमा में पूरा किया जाए, इसकी हर कोशिश हो रही है। स्पेशल गवर्नेंस कैंप के द्वारा कश्मीरी पंडित समुदाय, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी परिवारों की समस्याओं का निराकरण करने में हमें सफलता मिली। मैं ऐसे तमाम अपने बहनों भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, पिछले 3 वर्षों में
जम्मू कश्मीर में कैसा आकांक्षी वातावरण तैयार हुआ है जो सुनहरे दशक का निर्माण करने को अधीर है। संतुलित विकास, संस्कृति परंपराओं का बहाव तथा सिनेमा जगत की वापसी ने नई आबोहवा पैदा की। जम्मू कश्मीर में एक नया पुरुषार्थ जागृत हुआ है। आज समाज का हर एक वर्ग नई पीढ़ी का संरक्षक है। हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे, आज ये सोचने की जरूरत है। इसलिए आज के पावन दिन पर मैं नौजवानों को नए अवसर मंत्र के साथ अभियान शुरू करने का आह्वान करता हूँ, जिसमें हमारे प्रशासन के सभी विभाग हिस्सा लेंगे। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हर एक नौजवान को यकीन दिलाएं कि उनके लिए अवसरों और संभावनाओं की कोई कमी नहीं होगी। हमारा दूसरा लक्ष्य आधी आबादी की खुशहाली है। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ हमारी बच्चियों, माताओं, बहनों की सुरक्षा, उनके सामाजिक अधिकार, उनका आर्थिक हक हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान में सभी सरकारी विभाग एक्शन प्लान बनाकर आगे काम करें, इसी योजना बनाई जाएगी। हमें ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करना है जहां माताओं, बहनों और बच्चियों को पूरे आदर, सम्मान और स्वाभिमान के साथ हिफाजत की जिंदगी जीने का अवसर मिले।